अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। और मैंने स्टार्ट की हुई है एक्सरसाइज 1.3 और क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को मैंने आपको पहले पार्ट्स करवा दिए हैं, पहले 6 पार्ट, अब मैं स्टार्ट करवा रही हूँ आपको पार्ट 7। और आप ध्यान से समझिएगा, अब जब नेक्स्ट जितने भी हम पार्ट्स करेंगे उसमें हम थ्योरम अप्लाई करेंगे, हमारे पास लिमिट्स होंगी, थ्योरम होंगे जिनको हम यूज़ करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे थ्योरम है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, एक्स प्लस ए अंडर रूट माइनस अंडर रूट ए ओवर एक्स इज इक्वल टू वन ओवर टू अंडर रूट ए। मतलब ये इसका प्रूफ दिया गया है कि अगर आपको इस तरह की लिमिट आती है, इस तरह का क्वेश्चन आता है, तो उसका आंसर क्या होगा, इस फॉर्म में आएगा। अब जो ए है यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म है, और यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे टू से रिलेट किया गया है। ए कोई भी कॉन्स्टेंट नंबर है, जो टू भी हो सकता है, थ्री भी हो सकता है, कोई और नंबर भी हो सकता है। तो एक्स हमारे पास वेरिएबल है, हम उसको एक्स ही यूज करेंगे। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, स्टार्ट कर रहे हैं हम इसको लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो। अब हम क्या करेंगे, इसे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। स्केयर रूट एक्स माइनस स्केयर रूट टू एंड डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू मल्टीप्लाई स्केयर रूट एक्स प्लस स्केयर रूट टू एंड डिवाइडेड बाय स्केयर रूट एक्स प्लस स्केयर रूट टू। हम जो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं इस अंडर रूट को, यहाँ पे माइनस था, जो मल्टीप्लीकेशन होगी वो किससे होगी, प्लस से हो जाएगी। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, अब यहाँ पे क्या होगा, ये सामने सामने वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यहाँ पे x माइनस टू और साथ में आएगा स्केयर रूट एक्स प्लस स्केयर रूट टू। अब यहाँ पे है a माइनस बी और a प्लस बी, ये देखिए फॉर्म बन रही है a माइनस बी और ये बन रही है a प्लस बी। अब a माइनस बी और a प्लस बी इक्वल होता है हमारे पास ए स्केयर माइनस बी स्केयर के, तो x और x को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये ए स्केयर बन जाएगा, मतलब x का होल स्केयर हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस स्केयर रूट टू, स्केयर रूट टू क्या बन जाएगा, स्केयर रूट टू का होल स्केयर हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो स्केयर होता है वो स्केयर रूट से कैंसिल कर देते हैं। नेक्स्ट है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, अब आपके पास आ गया ऊपर एक्स माइनस टू और नीचे भी हमारे पास है एक्स माइनस टू एंड स्केयर रूट एक्स प्लस स्केयर रूट टू। अब x माइनस टू और x माइनस टू दोनों सेम टर्म्स हैं, वापस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं रिमेनिंग टर्म, लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो यहाँ पे आएगी वन ओवर स्केयर रूट x प्लस स्केयर रूट टू। अब हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, लिमिट अप्लाई करने से यहाँ पे स्केयर रूट x है, यहाँ पे जो लिमिट है वो टू होगी, मैं वो थ्योरम के लिए हाथ से जीरो लिखती आ रही हूँ। यहाँ पे जो लिमिट हमारे पास होगी उसे हम क्या लिखेंगे, टू। अब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू यहाँ पे टू है, अब हम क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई कर देंगे, जिधर एक्स होगा वहां पे लिमिट लिख दें, ये हो जाएगा स्केयर रूट टू प्लस स्केयर रूट टू, ये हो गया हमारे पास टू टाइम वन ओवर हो जाएगा स्केयर रूट टू, स्केयर रूट टू टू टाइम है, तो यहाँ पे आएगा टू टाइम स्केयर रूट टू। अब देखिएगा ये हमारे पास सेम टू सेम हमारे पास जो लिमिट का थ्योरम था कि वन ओवर टू स्केयर रूट ए है, तो यहाँ पे जो हमारे पास आंसर है वो वन ओवर टू स्केयर रूट टू आ रहा है, तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब जो इसका एट वाला पार्ट है सेम टू सेम इसी मेथड से होगा, जो एट पार्ट है आप इसको इसी मेथड से करेंगे, वहां पे जस्ट वेरिएबल चेंज है, इधर वेरिएबल हमारे पास एक्स है, वहां पे वेरिएबल हमारे पास क्या होगा, एच होगा, और उसमें जो लिमिट है वो अप्रोचेस की हुई है जीरो के। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर टू का, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिएगा यहाँ पे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन ओवर एक्स की पावर एम माइनस ए की पावर एम है। अब आप थ्योरम को देखें, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग थ्योरम, इस थ्योरम को यूज करते हुए। अब यहाँ पे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए है एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन ओवर एक्स माइनस ए, देखिएगा यहाँ पे पावर्स में है, नीचे भी पावर्स में है, लेकिन सिंपल एक्स माइनस ए से डिवाइड नहीं किया हुआ, तो थ्योरम में क्या है, एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन ओवर एक्स माइनस ए है। तो हम क्या करेंगे, x माइनस ए और ये इक्वल होगा मतलब n पावर्स के, फिर जो a की पावर में से n माइनस वन करेंगे, और ये हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि ये हमारे पास एक इंटीजर नंबर है। अब x लिमिट x अप्रोचेस टू a है, इस थ्योरम को हम यहाँ पे यूज करेंगे, यहाँ पे पावर्स में है, नीचे सिंपल में डिवाइड किया हुआ है, लेकिन इधर दोनों पावर्स में है, हम क्या करेंगे, पहले इनको सिंपल्स में डिवाइड कर लेंगे। तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, हम यहाँ पे देखिएगा थ्योरम है, अप्लाई कर लेते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए है,
और यहाँ पे x की पावर n माइनस a की पावर n एंड डिवाइडेड बाय x की पावर m माइनस a की पावर m है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, इसकी जब लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू a है। अब यहाँ पे देखिएगा कि सिंपल a में डिवाइडर जो थ्योरम है उसमें सिंपल डिवाइड किया गया है, तो हम क्या करेंगे, इसे डिवाइडर मल्टीप्लाई कर देंगे, x की पावर n माइनस a की पावर n ओवर x माइनस a से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं और x माइनस a से इसको मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं। फिर हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, क्या हम लिमिट इस पर सेपरेटली अप्लाई करेंगे, फिर यहाँ पे आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू a। अब x की पावर क्या होगी, m माइनस a की पावर क्या होगी, m, और नीचे हम x माइनस a से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और x माइनस a से हम डिवाइड भी कर देंगे। अब देखिएगा ये हमारे पास ये जो कंडीशन है ये थ्योरम को फुलफिल कर रही है, ठीक है। तो इधर आ जाएगा, देखिएगा ये दोनों कांस्टेंट हैं, इन्हें हम बाहर ले आते हैं, x माइनस a लिमिट x अप्रोचेस टू a हो जाएगा, तो यहाँ पे x की पावर n माइनस a की पावर n ओवर x माइनस a और डिवाइडेड बाय, हम यहाँ पे करेंगे x माइनस a, फिर लिमिट अप्लाई कर दें, लिमिट x अप्रोचेस टू a, तो x की पावर क्या होगी m और a की पावर होगी m और नीचे होगा x माइनस a। अब देखिएगा दोनों हमारे पास जो कांस्टेंट है इसे हम कैंसिल कर देंगे। अब ये हमारे पास थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है, ये जो थ्योरम था ये इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पे क्या आएगी, पहले पावर n आएगी, फिर हम क्या करेंगे a की पावर में से n माइनस वन कर देंगे, इसमें लिमिट में क्या आएगी, पहले पावर है m आएगी, फिर a की पावर में से m माइनस वन कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इधर हमारे पास है n ओवर m, a की पावर n माइनस वन। अब देखिएगा जब बेस हमारे पास सेम हो हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, ये वाली माइनस m, ये माइनस वन क्या हो जाएगा, प्लस वन। अब ये प्लस वन और ये माइनस वन दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास आएगा n ओवर m एंड a की पावर n माइनस m। तो ये हमारे पास जो है फाइनल थ्योरम का आंसर आ जाएगा। अगर आपको इन क्वेश्चंस की इन थ्योरम की समझ नहीं आएगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उनकी प्रैक्टिस करें ताकि आपके क्वेश्चंस जो हैं, अगर देखिएगा जब तक वो हाथ से नहीं गुजरेंगे आपको उसकी समझ नहीं आएगी, आप चीज़ों को देख के बस माइंड में उठाने की कोशिश करेंगे लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता, तो इससे बेहतर है कि आप इसकी प्रैक्टिस करें ताकि आपको इसमें मुश्किल ना हो, उसके नोट्स बनाया करें साथ साथ, बाद में जब एग्ज़ाम वगैरह आते हैं तो आपको वहाँ से देख के करना आसान हो जाता है, क्योंकि आपने अपने हैंडमेड जो होते हैं नोट बनाए होते हैं तो उसमें आसानी हो जाती है आपको क्वेश्चन वगैरह को सॉल्व करने में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।